हुए हैं और दूसरी तरफ प्रशासन की टीम भी यहां पर पहुंची हुई है और लोगों से किसी तरह की परेशानी तो नहीं हो रही है इसको लेकर भी पूछताछ कर रही है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि मौसम जो खुशगवार हुआ है उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और यही वजह है कि भारी संख्या में लोग यहां पर बूथों तक पहुंचे हैं, अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। भले ही शहरों में ये भीड़ दिखाई न दे लेकिन गाँव और यही तो हो रहा है कि शहरों में धूप ज्यादा लग जा रही है और रूरल एरियाज में मानो जैसे धूप नहीं आ रही है। निकलिए बाहर, ये तस्वीरें देखिए आप, सुशील कुमार शिंदे हो, अमरावती में अजीत पवार हो, सीहोर में शिवराज सिंह चौहान हो या फिर इटावा में अक्षय यादव हो, ये तमाम वीआईपी आज मैदान में उतरे भी हैं, अपनी किस्मत आजमा रहे हैं उम्मीदवार के तौर पर और मताधिकार का इस्तेमाल भी कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि एक बार फिर से वो तमाम हमारे जो साथी हैं वो एक एक करके अपनी बात रख लें। अमित सिंह, डिंपल यादव मैनपुरी में इस वक्त अपनी किस्मत आजमा रही है, जयवीर सिंह उनके खिलाफ है बीजेपी के और शिव प्रसाद जो है वो बीएसपी से, वहां पे वो आपके गुलाबी गुब्बारे दोबारा आ चुके जिससे हमने शुरुआत की थी। जी सिंह साहब बताइए क्या माहौल। जी रूबी, देखिए रूबिका, जयवीर सिंह तो अपना वोट कास्ट करके लगातार वो अपने इलाके में घूम रहे हैं लेकिन अखिलेश यादव और डिंपल यादव थोड़ी देर में ही यहीं पर पहुंचने वाला है। मैं यहाँ की तस्वीरें दिखा दूँ, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम यहाँ पर कर दिए गए हैं, रस्सी लगा दी गई है और अगले कुछ ही मिनट में बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव और डिंपल यादव दोनों यहाँ पहुंच जाएंगे। अखिलेश यादव डिंपल यादव जैसे ही अपना वोट कास्ट करेंगे बगल में ही यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की पूरी व्यवस्था कर दी गई है, अब यहाँ पर निकलेंगे और जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दरअसल सुबह में जब रामगोपाल यादव यहाँ पर पहुंचे थे तो तमाम मीडिया अंदर यहां पहुंच गई थी, जो यहां के जिला प्रशासन और जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिस पर ऑब्जेक्शन किया था, जिसके बाद यहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहां पर मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ जयवीर सिंह जो कि डिंपल यादव के ओपोनेंट है, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं, कद्दावर मंत्री हैं, वो अपना वोट कास्ट करने के बाद लगातार मैनपुरी में के दौरे कर रहे हैं। तो जो सोर्सेस हमारे बता रहे हैं कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव फिलहाल मैनपुरी के जितने भी बूथ हैं, जो उनके बूथ एजेंट्स हैं, जो उनके बड़े नेता हैं, उनसे लगातार बातचीत कर रहे हैं और जानकारी हासिल कर रहे हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं है। लेकिन फिलहाल मैनपुरी में सब कुछ सुचारू तरीके से सही तरीके से चल रहा है और जो वोटिंग परसेंटेज अगर हम बात करें, मैं रोक रहा हूं आपको, आप मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। इस बार हम कांग्रेस को जिताएंगे, लास्ट टाइम हमारे से गलती हो गई, ये पश्चाताप भी वो कर रहे हैं और पश्चाताप करके उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि कांग्रेस पार्टी को इस बार हम जरूर लाएंगे और भारी बहुमत से चुन के देंगे, ये सबका कहना है। Now that won't work now if I tell. Today is voting. What benefit I will get by telling and criticizing? Today only I appeal. मल्लिकार्जुन खड़गे खुद इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, पिछली बार वो हार गए थे और उनका एक रिकॉर्ड हुआ करता था कि वो चुनाव नहीं हारते हैं हर स्तर का चुनाव। और मल्लिकार्जुन खड़गे, आदित्य यादव जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वहां पर जसप्रीत मौजूद हैं। जी जसप्रीत, आपके यहाँ भी लाइनें खूब लगी हुई हैं। बिल्कुल किशोर, मैं आपको बताऊं कि जिस इस वक्त पोलिंग बूथ पर मैं मौजूद हूं, राधेश्याम, ये कॉलेज है, यहाँ पर सुबह ईवीएम खराब थी और अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर वोटिंग शुरू हो पाई है, सुबह 7 बजे से खराब थी है। कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? हम तो सुबह लौट गए थे, अभी फिर आए हो? कितनी देर इंतजार किया था? आधा घंटा। आप बताइए कितनी देर से खड़े हैं? आधा घंटा करीब हुआ वो। अच्छा, पहले खराब थी, सुबह आए थे आप? नहीं नहीं। आपको बताएं कि इधर मैं मेरे सहयोगी अनिल आपको लाइन दिखाते हैं, ये देखिए जहाँ तक मैं आगे जाऊंगी ये लाइन आप देख लीजिए, क्योंकि सुबह से यहाँ पर वोटिंग शुरू नहीं हो पाई थी, अभी 10 मिनट हुए हैं, काफी सारे लोग ऐसे थे जो लौट गए थे। आप बताइए चाचा, क्या दिमाग में चल रहा है वोट देने से पहले? है विकास हुआ इलाके में? विकास है, ऐसे ही है। और क्या? हाँ, नाश्ता वगैरह किया है? खाना खा के आयो? नाश्ता करो, खाना खाओ। खाना अभी खाना तो दोपहर में खाओगे ना? 8 बजे का आए हैं। अच्छा, इधर आप पीछे देखते हैं, आओ। क्या बोल रहे हैं आप, बताइए? एक घंटे खड़े रहे, सुबह लौट गए हम। अच्छा, एक घंटा रुके थे जी? हाँ, सुबह खराब थी मशीन। हाँ, फिर चले गए? वैसे ही खराब थी। हाँ, कहाँ से आयो? लोचिंगले से। अच्छा, क्या क्या मुद्दे हैं? मुद्दे क्या होंगे? सूख तो रहा है, परेशान है, धूप हो गई। और क्या करें?
आना पड़ा ही, वोट तो डालना ही है, डालना है। ये जागरूक मतदाता है किशोर रूबिका, देखिए जागरूक मतदाता। हाँ, इतनी देर इंतजार मैडम, जो है क्या करें, बहुत परेशान हो गए, धूप में खड़े हुए है, कोई बात हो जाए। 65 साल की होने जा रही है, 65 साल की उम्र है आपकी। आपने तो कई सरकारें देख ली होंगी। मैं तो इलेक्शन ही करा के आता था, वोटिंग में जाता था मैं तो, इलेक्शन का ड्यूटी की लगती थी। अच्छा, ड्यूटी में थे। क्या क्या दिमाग में चल रहा है वोट देने से पहले? इतनी धूप भी है, अब तो बढ़ेगी धूप। जल्दी लाइन चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। नाश्ता चाय पी ली, कुछ खा के आए? नहीं खा, अगर नाश्ता तो आए, चाय पी के आए, मछली खा के आए दो। अच्छा, तभी इतना मुस्कुरा रहे हैं आप। है अब खाना आप बताइए। धूप लग रही है, धूप तो लग रही है, ठीक है, धूप तो है, लेकिन लोकतंत्र का पर्व भी है। कितनी देर हो गई खड़े हुए यहाँ पे? हम तो कौन घंटा हो चुका है, कौन घंटा हो गया? पसीना भी आ रहा है आपको? पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत बिगड़ है। गर्मी तो है, अब इतना तापमान है, आप बताइए। सब कतारों में जो खड़े हुए हैं इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का। जसप्रीत ये बता रहे हैं, मैं रोक रहा हूँ आपको, अक्षय यादव के साथ अमित है। अमित, अमित ने वोट कास्ट कर दिया, क्या चुनावी मुद्दे आपके एरिया में फिरोजाबाद में? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है संविधान को बचाने का, नौजवानों को नौकरी मिले, किसानों को MSP की गारंटी मिले, और जो विकास के मुद्दे हैं वो ये हैं कि पानी की जो समस्या है कुछ क्षेत्रों में, उसको सुधारना है, सड़कों की है, और विकास पूरी तरीके से रुक गया जब से भाजपा की सरकार आई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया कि ये जो चुनाव है राम भक्तों और रामद्रोहियों के बीच में, ये चुनाव जो देश से प्यार करते हैं वो इंडिया गठबंधन को जिताने के लिए वोट डालेंगे। और आप आज वोटरों से क्या कहेंगे? कि सब मतदान करें, सब वोट जरूर डालें। जी हाँ, तो ये पूरा इलाका, मैनपुरी का इलाका, बदायूं का इलाका, यहाँ पर ही समाजवादी पार्टी को बहुत उम्मीदें हैं इन 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 सीटों पर, इस इलाके में जहाँ पर आज वोटिंग हो रही है। और बीजेपी चाचा और भतीजे में लड़ाई थी जी, अब इस बार ये दोनों साथ में जी, और इसीलिए कॉन्फिडेंस जो है वो साफ तौर पर हाई नजर आ रहा है। चलिए अनुपमा के पास चलते हैं। अनुपमा, लोग आ रहे हैं वोट देने? बिल्कुल किशोर, देखिए किस तरीके से लोग जो है अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाती हूँ। बाबा जरा अपने हाथ की स्याही दिखाइए, जो आप वोट देकर आए हैं, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते हैं, बावजूद इसके जो है व्हीलचेयर का जो इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर पहले से व्हीलचेयर रखी थी। कितनी उम्र होगी बाबा आपकी? 72 उम्र की है, बावजूद इसके वोट देने आए हैं। आप एक बार अपील करेंगे जनता से कि अपने घर से निकले, वोट का इस्तेमाल जरूर करें? जनता से निकले, अपने वोट को जरूर पार करें। बिल्कुल, तो देखिए बिल्कुल ढंग से नहीं बोल पा रहे, लेकिन बावजूद इसके जो है ये तस्वीर इस बात को बताती है कि लोग कितने ज्यादा जागरूक हैं। सबसे पहले आपको मतदान करना है, फिर जलपान करना है, और देखिए दूर तक की आप तस्वीरें देखेंगे, इस पोलिंग बूथ पर जो है जबरदस्त भीड़ लगी हुई है, लोग सुबह सुबह पहुंचे हैं, कुछ लोग भी महिलाएं भी मेरे साथ मौजूद है। आंटी, घर का काम करके आई है? नहीं करके आए, पहले मतदान करेंगे फिर काम करेंगे घर का जाके? जाके करेंगे।